ये आप देख सकते हैं इस्लामाबाद के हालात। ये देखिए, जहां तक नज़र जाती है वहां तक गाड़ियों की लाइनें, बाइक्स और सारा इस्लामाबाद आज बाहर निकला है। मैं यहां एक चीज़ वाजिया करना चाहता हूं, इस्लामाबाद की जो रैली है वो अलग है, रावलपिंडी की जो रैली है वो शेर रशीद की हवेली के बाहर होगी। यहां जो लोग हैं, मैं ये इस साइड की देखें, ये दूर तक जहाँ तक नज़र जाती है लोग, और मैं ज़रा दूसरी साइड दिखाता हूँ आपको। ये देखें आप, और ये देखें लोग डंडे पकड़े हुए हैं, और दूर तक जहां नज़र जाती है, और ये लोग बाहर निकले हैं, और ये लोग सिर्फ इमरान खान के लिए बाहर निकले हैं। और इनका कहना है कि जो अपोजिशन आई, जो शहबाज शरीफ आया, उन्होंने इनके सीनों पे आग लगा दी है, और ये इतने गुस्से में हैं कि ये बता नहीं सकते। और आप देख सकते हैं किस तरह लोग गाड़ियों पर यहाँ रैली की सूरत में F9 पार्क की तरफ जा रहे हैं, और हर गाड़ी से ये देख सकते हैं कि ये वो रश वाली गाड़ी नहीं है। यहाँ ये देखें गाड़ियों में, ये देखो साइड साइडों पे लोग देखें, दो गाड़ियों से बाहर निकले हुए हैं और इमरान खान से अदारे जब कहती कर रहे हैं। ये एक साइड है, ये एक पुल है, और दूसरी साइड देखें, ये जरा ये दूसरी साइड देखें। आज पूरे मुल्क ने अपना फैसला सुना दिया कि उनका वज़ीर आज़म, उनके दिलों का वज़ीर आज़म इमरान खान ही है, और आइंदा इलेक्शन में ये लोग इमरान खान को दो तिहाई अक्सरियत से असम्बली भेजेंगे। अभी ये लोग जो बाहर निकले हैं, ये एक कॉल है, ये सिर्फ एक इस्लामाबाद की आवाम है। अभी पूरे मुल्क में अलग से रैली निकाली जा रही हैं, पूरे मुल्क में अलग से काफिले हैं, पूरे मुल्क में अलग से जुलूस हैं। ये सिर्फ एक इस्लामाबाद के लोग हैं जो यहाँ रैली की सूरत में बाहर निकले हुए हैं। और आप देखें, ये देखें जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक लोग हैं। और मैं ज़रा वो दूसरा पुल जूम करके दिखाऊँ, वो देखें दूसरे पुल के ऊपर की तरह लोग खड़े हैं। ये आज लोगों ने साबित कर दिया कि वो लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। और ये देखिए, पाकिस्तानी परचम लहराए और साथ पाकिस्तान तरीके साहब का परचम लहराते हुए लोग गाड़ियों पे पाकिस्तान तरीके साहब के परचम लहरा रहे हैं, और रैली की सूरत में F9 पार्क की तरफ जा रहे हैं। आप सब बाहर निकलें, इमरान खान के लिए बाहर निकलें, क्योंकि आज इमरान खान को हमारी ज़रूरत है, आज हमें खान की ज़रूरत है। कल को पहले इमरान खान को हमारी ज़रूरत थी, अब हमें खान की ज़रूरत है। इमरान खान को लाना है, और ये ज़िद बना के लाना है। 2018 में जो हमारी ख्वाहिश थी कि हम इमरान खान को लाएंगे, चेक करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह अब जो इलेक्शन होगा, इमरान खान हमारी ज़िद होगा, और इंशाल्लाह आइंदा वज़ीर आज़म इमरान खान ही होगा। ये जो असम्बलियों में बैठे हैं, ये हज़ार मरतबा उसके साथ वज़ीर आज़म लिख लें, लेकिन दिलों का जो वज़ीर आज़म है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है। Yeah!